आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस कमेटी भदोही के जिला महासचिव जजलाल राय ने जगन्नाथपुर, रामपुर, मोहनपुर गांवों में सुबह 7 बजे से 12 बजे तक गांवों में डोर टू डोर पद यात्रा कर पेट्रोल, डीजल, गैस, बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र में बैठी मोदी सरकार के खिलाफ जन विरोधी नारे लगाते हुए ग्रामवासियों के विरोध कर भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। कहा कि मोदी सरकार ने भारत के नागरिकों के साथ किया धोखा, विश्वासघात और छल किया है। चुनाव में लोगों के वोट बटोरने के लिए 137 दिनों तक पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, पीएनजी और सीएनजी के दाम स्थिर रखने के बाद पिछले एक हफ्ते से परिवार का बजट बिगड़ गया है। पेट्रोल और डीजल की दामों में रोज होती बढ़ोतरी और गैस सिलेंडर, पीएनजी एवं सीएनजी के कमर तोड़ दामों ने साबित कर दिया है मोदी सरकार नागरिकों को लूटो और अपना खजाना भरो की नीति पर काम कर रही है। अरे योगी मोदी तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे योगी तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या नाम है आपका? मैं जजला राय, जिला महासचिव कांग्रेस कमेटी भदोही। किस मुद्दे को लेकर के आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के दिशा निर्देश पर पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और गैस का ये जो आए दिन बढ़ोतरी हो रही है, केंद्र में बैठी मोदी सरकार जो आए दिन पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा करके ये पूरे जनमानस में तूफान मचा रखा है, उसके विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देश पर पूरे देश में और पूरे प्रदेश में आज पेट्रोल और डीजल और गैस के मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी है और विरोध कर रही है। जनता से किस क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? जनमानस को यह कांग्रेस पार्टी बताना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये मोदी सरकार है 8 वर्षों से जो केंद्र में बैठी है, इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए धरना प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी जनमानस को यह बता रही है कि आप भी अब उठिए, क्योंकि आज पेट्रोल का, डीजल का और गैस का दाम आसमान छू रहा है। आपके भदोही जनपद में 105 रुपया लीटर पेट्रोल हो गया और अभी ये जो गैस सिलेंडर है आप देख रहे हैं ये 1100 रुपया हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं आप पत्रकार बंधु से कि आज निम्न वर्ग का जो हमारी जनता है, मध्यम वर्ग की जो जनता है, वो कैसे जी पाएगी? यह मैं धरना प्रदर्शन के माध्यम से आज मैं सुबह से ग्राम सभा जगन्नाथपुर में आप देख रहे हैं कि टाली पर जो है गैस सिलेंडर रख करके ग्रामवासियों को लेकर के मैं पद यात्रा करके ये जनमानस को जगा रहा हूं कि आप भी जाग जाइए, क्योंकि ये योगी और मोदी की सरकार आपको जीने नहीं देगी। आप योगी मोदी पर सरकार पर जो है लांछन लगा रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, लेकिन आपकी कहीं भी सरकार नहीं, क्या इसकी सुनवाई होगी? ये मैं आपसे बता रहा हूं कि आपको स्पष्ट मैं बताऊंगा कि पूरे देश में चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे वो जनहित के जो भी, आप योगी मोदी पर सरकार पर जो है लांछन लगा रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, लेकिन आपकी कहीं भी सरकार नहीं, क्या इसकी सुनवाई होगी? ये मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपको स्पष्ट मैं बताऊंगा कि पूरे देश में चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे वो जनहित के जो भी मामले हो, वो किसान के मामले हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक आवाज उठाने का काम किया है। वो जनमानस की बात है, वो हमको लाएंगे कि नहीं लाते, लेकिन फिर भी मैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हूँ और लड़ूंगा। क्या सरकार आपसे, कांग्रेस पार्टी से डरती है? यह कांग्रेस पार्टी से नहीं, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, ये कोई जात विशेष की पार्टी नहीं है, ये एक विचारधारा की पार्टी है। और आप देख लीजिए कि चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव, अभी आप उत्तर प्रदेश का
चुनाव संपन्न हुआ है, आपने देखा पेट्रोल और डीजल का दाम कम कर दिया गया, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की, तो आप देख लीजिए आए दिन कभी 80 पैसे, कभी 35 पैसे, कभी 1 रुपया, तो कभी 1.5 रुपया, आप लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम आप देख रहे हैं बढ़ रहा है। और ये जनमानस पर जो है इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आज किन किन जगहों पर आप लोगों का जिले में आज पूरे भदोही जनपद के हर ब्लॉकों में, हर तहसीलों में, हर विधानसभाओं में और ग्राम सभा स्तर पर कांग्रेस पार्टी के हाई कमान के दिशा निर्देश पर आज सब लोग अपने अपने गांव से आवाज उठा रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि 4 तारीख को अभी जिला मुख्यालय पर पेट्रोल और डीजल और गैस के मुद्दे को लेकर के जो विशाल धरना प्रदर्शन किया गया है, और इसके बाद मैं लखनऊ में भी योगी सरकार और मोदी सरकार को घेरने का काम लखनऊ में जो है 7 तारीख को करूंगा। बढ़ती महंगाई को लेकर अगर जो है भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर के अगर आप लोगों को नहीं आवाज सुनी, तो किस प्रकार के मुद्दे को लेकर के आप लोग आगे धरना प्रदर्शन करेंगे? जिस तरह से गरीबों का उत्पीड़न और जिस तरह से बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों का मुद्दा है, तमाम मुद्दों को लेकर के, जनहित मुद्दों को लेकर के, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आवाज नहीं सुनती है जनमानस की, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ईंट से ईंट बजाने का काम लखनऊ से लेकर और दिल्ली तक करेगी।